हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीमेंस सिनामिक्स V20 ड्राइव कनेक्शन किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले यदि हमें ड्राइव की स्पीड को पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करना हो तो किस तरह से की जा सकती है, ड्राइव में टू वायर सिस्टम एंड थ्री वायर सिस्टम कनेक्शन किस तरह से किया जाता है यह भी हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि हमें ड्राइव को एक रिले लगाकर स्टार्ट स्टॉप करना हो तो किस तरह से किया जा सकता है, यदि सिलेक्टर स्विच लगाकर करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, ड्राइव समय यदि किसी मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ डायरेक्शन में रन करना हो तो उस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं ड्राइव में हमें कौन कौन से कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए होते हैं। यदि हम कंट्रोल टर्मिनल्स की बात करें तो यहाँ पे आप ड्राइव को देख सकते हैं, ये इसके कंट्रोल टर्मिनल्स होते हैं, यह पावर टर्मिनल्स नीचे होते हैं। अभी हम पावर टर्मिनल्स के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट कंट्रोल टर्मिनल्स के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। यदि कंट्रोल टर्मिनल की बात की जाए तो जो फर्स्ट टर्मिनल होता है 10 वोल्ट होता है जो कि हमारे ड्राइव से हमें मिलता है और ये पोटेंशियोमीटर में जाता है। सेकंड टर्मिनल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एनालॉग इनपुट फर्स्ट होता है जिसमें हम हमारे पोटेंशियोमीटर का आउटपुट कनेक्ट करते हैं। ये देखा जाए तो एनालॉग इनपुट सेकंड होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एनालॉग इनपुट सेकंड है। इसके पास हमारे पास A01 होता है और यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो 0 वोल्ट होता है जो कि हमारे पोटेंशियोमीटर को यहाँ से 0 वोल्ट जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव पी पॉजिटिव होता है और एन नेगेटिव यहाँ पे हमें मिलता है, आप देख सकते हैं 2 टर्मिनल होते हैं। इसके पास यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे हमें डिजिटल इनपुट फर्स्ट मिलता है जो कि फॉरवर्ड रोटेशन के लिए होता है। हमें ड्राइव के यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना हो तो डिजिटल इनपुट में हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होता है, यहाँ पर डिजिटल इनपुट सेकंड होता है। यदि हमें ड्राइव को रिवर्स डायरेक्शन में रन करना हो तो यहाँ पर हमारे पास डिजिटल इनपुट सेकंड होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिजिटल इनपुट थर्ड होता है और यहाँ पर डिजिटल इनपुट फोर्थ होता है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिटल इनपुट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो DC होता है। यदि हमें ड्राइव को सिंक मोड में रन करना हो तो हम यहाँ पे DI0 में कनेक्ट कर देते हैं और सोर्स मोड में यदि ड्राइव को रन करना हो तो सोर्स मोड के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें 24 वोल्ट मिलता है। तो हम क्या करते हैं, यदि सोर्स मोड में हम ड्राइव को रन कर रहे हैं तो इस 24 वोल्ट को यदि हम डिजिटल इनपुट से डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं तो हमारी ड्राइव फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगी। यदि इस 24 वोल्ट को हम डिजिटल इनपुट सेकंड से कनेक्ट करते हैं तो हमारी ड्राइव रिवर्स डायरेक्शन में रन होगी। किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा वह भी हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमें 0 वोल्ट मिलता है, देख सकते हैं आप। यदि हमें सिंक मोड में कनेक्शन करना हो तो हम बट हमें यहाँ पे सोर्स मोड में कनेक्शन करना है जो कि पॉजिटिव 24 वोल्ट लेकर हमें यहाँ से कनेक्शन करना है। यहाँ पर हमारे पास D0+ होता है और यहाँ पे D0- होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिले होते हैं। यदि हमें ड्राइव के साथ किसी अदर डिवाइस को स्टार्ट स्टॉप करना हो तो हम इस रिले का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह ड्राइव में टू वायर सिस्टम में कनेक्शन किया जाने वाला है। जिस तरह हम हर ड्राइव में टू वायर सिस्टम को दो तरह से समझते हैं, जिसमें हम एक सिलेक्टर स्विच लगाकर ड्राइव का स्टार्ट स्टॉप करते हैं और पोटेंशियोमीटर लगाकर उसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरह होता है हम रिले लगाकर टू वायर सिस्टम में कनेक्शन करते हैं। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं पोटेंशियोमीटर से स्पीड को कंट्रोल किस तरह किया जाएगा एंड सिलेक्टर स्विच लगाकर किस तरह से यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। यदि पोटेंशियोमीटर की बात की जाए तो पोटेंशियोमीटर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको सिंबल दिया गया होगा। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का सिंबल मिलेगा और बीच में आपको वेरिएबल मिलने वाला है। तो ये क्या होता है, इसकी कॉइल होती है। बेसिकली यहाँ पे हमें 10 वोल्ट कनेक्ट करना होता है, यहाँ पे 0 वोल्ट कनेक्ट करना होता है। ये क्या होती है, पोटेंशियोमीटर की कॉइल होती है और ये जो वेरिएबल होता है ये पोटेंशियोमीटर का आउटपुट होता है। और चलिए किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास ड्राइव से 10 वोल्ट मिलने वाला है तो 10 वोल्ट को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो हम कनेक्ट कर देते हैं। देख सकते हैं आप हमारे ड्राइव में पॉजिटिव यहाँ पर 10 वोल्ट मिल चुका है। यहाँ पर हमें 0 वोल्ट देना है तो 0 वोल्ट हमें यहाँ से मिलने वाला है। ड्राइव पहले चेक कर ले, यहाँ पर हमें 0 वोल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ से हमने एक वायर लिया और पोटेंशियोमीटर में यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पोटेंशियोमीटर को आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव 10 वोल्ट भी मिल चुका है और 0 वोल्ट भी मिल चुका है। यहाँ पे डिजिटल इनपुट फर्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर, जहाँ से हमें पोटेंशियोमीटर में आउटपुट जाने वाला है, जितना हम यहाँ पे रोटेट करेंगे उतनी स्पीड में हमारे मोटर रन हो गए तो जो इसका आउटपुट होने वाला है वो डिजिटल इनपुट फर्स्ट में हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। इसे लेकर हम पोटेंशियोमीटर के आउटपुट में यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो।
अब चलिए हम समझ लेते हैं डिजिटल इनपुट की वायरिंग किस तरह से की जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, जो जीरो वोल्ट है इस जीरो वोल्ट को हमें लेना है डीआईसी से यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। अब ये बेसिकली डिफॉल्ट हमें यहाँ पे शॉर्ट करना होता है, ये हर कंडीशन में यहाँ पे शॉर्ट होता है। चलिए अब किस तरह से डिजिटल इनपुट की वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाला है, ड्राइव से 24 वोल्ट मिलने वाला है। यदि हम इस 24 वोल्ट को डिजिटल इनपुट फर्स्ट से शॉर्ट करते हैं तो हमारी ड्राइव फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। यदि डिजिटल इनपुट सेकंड से शॉर्ट करते हैं तो हमारी ड्राइव जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में रन करने वाली है। तो हम क्या करते हैं, 24 वोल्ट को सबसे पहले लेते हैं और इसे हम यहाँ पे सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। आप सिलेक्टर स्विच में एनसी भी कनेक्ट कर सकते हैं और एनओ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसका जो आउटपुट होगा, जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी, यदि ऑफ कर देंगे सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी। देखिए जैसे सिलेक्टर स्विच को हम यहाँ से ऑन करते हैं तो ऑन करने की कंडीशन में यहाँ से सप्लाई जाएगी और ये डिजिटल इनपुट फर्स्ट में हमने कनेक्ट किया है, तो हमारी ड्राइव यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करने वाली है। यदि हमें मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करना हो तो इसे हमें डिजिटल इनपुट सेकंड में कनेक्ट कर देना है, तो हमारी जो ड्राइव होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में रन करने वाली है। तो हमारे यहाँ पे टू वायर सिस्टम में फर्स्ट कनेक्शन कंप्लीट होता है। यदि हमें रिले लगाकर स्टार्ट स्टॉप करना हो तो किस तरह से किया जा सकता है हम समझ लेते हैं। देखिए उस कंडीशन में पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन हमारा सेम होने वाला है और यहाँ पे जो हमने शॉर्ट किया था, बेसिकली आप देख सकते हैं जीरो वोल्ट और डीआईसी को शॉर्ट किया, तो हमें बाय डिफॉल्ट शॉर्ट कर ही रखना है। चलिए यहाँ पर हम एक रिले कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 220 वोल्ट का हम रिले कनेक्ट कर रहे हैं। इसे स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमें एक स्टॉप पुश बटन, एक स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट करना होगा। रिले हमारे पास 220 वोल्ट का है और यहाँ पे हमें टर्मिनल नजर नहीं आ रहे हैं, तो चलिए पहले रिले को सप्लाई देने के लिए हम फेज न्यूट्रल यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें टर्मिनल समझने के लिए यहाँ पर हमने एक लेबल लगा लिया है, जिसमें हमें बेसिकली रिले के कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए हैं। जो 7 और 2 नंबर होता है, क्या होता है, रिले की कॉइल होती है जिसमें हमें सप्लाई देना होती है। यदि आपका रिले 24 वोल्ट का है तो आपको 24 वोल्ट देना होगी, यदि 220 वोल्ट का है तो आपको रिले की कॉइल में 220 वोल्ट देना होगा। 8 यहाँ पे कॉमन होता है, 8 के साथ जो 5 होता है वो एनसी होता है, 8 के साथ जो 6 होता है वो एनओ होता है, 1 के साथ 1 क्या होता है, कॉमन होता है, 1 के साथ 4 एनसी होता है और 3 एनओ होता है। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, 8 पिन ग्लास रिले के बारे में आई होप आपको क्लियर हो। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है, 2 नंबर में हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते। देखिए तो यहाँ पर हमारे न्यूट्रल की कनेक्शन हो चुका है। अब रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हमें फेस कनेक्ट करना होगा, तो फेस के लिए देखिए यहाँ से हमने सप्लाई ली है और इसे ले जाकर हमें इस पुश बटन में कनेक्ट कर देना है, स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट जो होने वाला है वो जाने वाला है स्टार्ट पुश बटन में, और जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही हमारा रिले यहाँ पर ऑपरेट होने वाला है, तो आप देख सकते हैं जैसे हम पुश बटन को प्रेस करते हैं हमारा रिले ऑपरेट होगा, बट ये ऑपरेट कितनी देर के लिए होगा, जितनी देर के लिए हम यहाँ पे पुश बटन प्रेस करेंगे। यदि हम इसे परमानेंटली ऑपरेट करना तो यहाँ पे हमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी, तो जिस तरह हम हमेशा होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से पहले होल्डिंग कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहीं कॉइल की एक सप्लाई को, देखिए कॉइल की सप्लाई को हम यहाँ पे कॉमन में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही पुश बटन प्रेस हुआ तो यहाँ से सप्लाई हमारी कॉमन में आ जाएगी और यहाँ से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते एक सप्लाई को, होल्डिंग सप्लाई को। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, जैसे ही हमारा पुश बटन प्रेस होगा सप्लाई यहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमारा एनओ एनसी बनेगा और सप्लाई यहाँ से हमारा रिले परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। तो अभी हमने जस्ट क्या किया है, रिले से ड्यूल स्टार्टर बनाया है। अब यहाँ से हमें ड्राइव को कंट्रोल करना है तो किस तरह से किया जा सकता है हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास 24 वोल्ट मिलने वाला है, देखिए यहाँ से 24 वोल्ट मिलने वाला है, तो 24 वोल्ट हमने यहाँ पे लिया और इसे ले जाकर रिले के आप कॉमन या एनओ किसी भी पॉइंट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसे ले जाकर कॉमन बेसिकली दिखाया तो एनओ पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो इसकी सप्लाई कॉमन से निकलने वाली है, तो कॉमन 1 नंबर पॉइंट है तो 1 नंबर पॉइंट से हमारी सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी हमारे डिजिटल इनपुट फर्स्ट में। यदि हमें ड्राइव को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना है तो डिजिटल इनपुट फर्स्ट में कनेक्ट कर देना है, यदि रिवर्स डायरेक्शन में रन करना है तो डिजिटल इनपुट सेकंड में हमें कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारे टू वायर सिस्टम में रिले लगाकर हम स्टार्ट स्टॉप इस तरह से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब थ्री वायर सिस्टम में किस तरह से कनेक्शन होगा हम समझ लेते हैं। देखिए थ्री वायर सिस्टम में हमें क्या करना है, ड्राइव को फॉरवर्ड में भी रन करना है और रिवर्स डायरेक्शन में भी रन करना है। तो फॉरवर्ड के लिए हमने यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच यह वाला कनेक्ट किया है,
जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमारी ड्राइव फॉरवर्ड में रन होगी, इसे स्टॉप करेंगे तो हमारी ड्राइव स्टॉप हो जाएगी, जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो हमारी ड्राइव रिवर्स में स्टार्ट होगी, इसे स्टॉप कर देंगे तो हमारी ड्राइव स्टॉप हो जाएगी। तो इसके लिए किस तरह वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए भी हमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन सेम रखना है और ये लिंक हमें सेम कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर डिजिटल इनपुट की वायरिंग की बात की जाए तो यहाँ से हमें 24 वोल्ट लेना है और इसे ले जाकर हमें सेलेक्टर स्विच के इनपुट में कनेक्ट कर देना है फॉरवर्ड के, यहीं से एक लूपिंग हमें कनेक्ट करना है और इसे हमें रिवर्स के जो सिलेक्टर स्विच है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। पहले हम फॉरवर्ड की डायरेक्ट कंडीशन में समझ लेते हैं किस तरह से वायरिंग की जाएगी। देखिए जैसे इस सिलेक्टर स्विच को हम ऑन करने वाले हैं तो यहाँ से हमारी सप्लाई निकलेगी और यह सप्लाई जाएगी हमारे डिजिटल इनपुट फर्स्ट में। देखिए जैसे ही हमें सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी जो मोटर या ड्राइव होने वाली है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी मोटर को रन करेगी और इसका जो आउटपुट होने वाला है इसे ले जाकर हमें डिजिटल इनपुट सेकंड में कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही हमारा ये वाला सिलेक्टर स्विच ऑन होगा तो हमारी ड्राइव रिवर्स डायरेक्शन में रन होने वाली है। तो इस तरह हम हमारी ड्राइव से किसी भी मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ डायरेक्शन में रन कर सकते हैं। चलिए अब हमें पुश बटन के लिए ड्राइव में कौन सा पैरामीटर सेट करना होगा, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के लिए कौन सा पैरामीटर सेट करना होगा हम समझ लेते हैं। कनेक्शन की बात की जाए तो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं हमने पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन के लिए क्या कहते हैं 10 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में दिया था, 0 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में दिया था और पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट होने वाला था वो हमने यहाँ पे एनालॉग इनपुट फर्स्ट में कनेक्ट कर दिया था। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो ड्राइव में कनेक्शन किया था वो PNP मोड में किया था जो कि हमने 24 वोल्ट के साथ किया था। तो देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले तो 0 वोल्ट और DIC को हमने शॉर्ट कर दिया था और हमने क्या कहता है 24 वोल्ट को ले जाकर डिजिटल इनपुट से शॉर्ट कर दिया था फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और रिवर्स डायरेक्शन के लिए डिजिटल इनपुट सेकंड से शॉर्ट किया था। यदि हम NPN मोड में कनेक्शन करते तो हमें क्या करना होता, यहाँ पे DIC को 24 वोल्ट को शॉर्ट कर देना था और 0 वोल्ट को ले जाकर हमें डिजिटल इनपुट में कनेक्शन कर देना था। तो जस्ट इसी तरह हमने कनेक्शन किया जिस तरह यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पे हमने पावर वायरिंग कनेक्शन नहीं किया क्योंकि काफ़ी सिंपल होता है। L1, L2, L3 जो होता है वो हमारे ड्राइव में इनपुट होता है और W होता है वो हमारे ड्राइव में आउटपुट होता है जो कि हमारी मोटर पे जाता है। चलिए अब कौन से पैरामीटर्स हमें सेट करना होगा हम समझ लेते हैं। देखिए ड्राइव को रन करने के लिए वैसे तो हमें यहाँ पर कई पैरामीटर सेट करना होते हैं और इन सभी के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया। यदि आप पैरामीटर का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। बट अभी हमने क्या किया था कि ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए पुश बटन कनेक्ट किया था या सेलेक्टर स्विच कनेक्ट किया था। तो इसके लिए हमें कौन सा पैरामीटर सेट करना होगा ये समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें आना है P0 700 में, 700 जो कि है सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, यदि हमें ड्राइव को बेसिकली देखा जाए तो कीपैड से स्टार्ट करना है या BOP से स्टार्ट करना है जो कि हमारे ड्राइव के ऊपर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे 1 सेट कर देना है। यदि हम यहाँ पे 1 सेट करते हैं तो हमारी जो ड्राइव स्टार्ट स्टॉप होने वाली है वो ड्राइव के टर्मिनल से होने वाली है। यदि हमें यहाँ पर एक्सटर्नल पुश बटन लगाकर स्टार्ट स्टॉप करना है या सिलेक्टर स्विच लगाकर स्टार्ट स्टॉप करना है तो यहाँ पर हमें 2 सेट करना होगा। यदि हम यहाँ पे 2 सेट करते हैं तो हमारी ड्राइव की जो स्टार्ट स्टॉप या कमांड मिलने वाली है वो एक्सटर्नल मिलने वाली, टर्मिनल से मिलने वाली, दैट मीन्स पुश बटन से या सिलेक्टर स्विच से मिलने वाली है। तो यदि आप पुश बटन या सिलेक्टर स्विच से स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 सेट करना होगा। और हमने ड्राइव को बेसिकली देखा जाए तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किया था। तो पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, P1000 में आना है जो कि सिलेक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी सेट पॉइंट है। हमें फ्रिक्वेंसी के लिए सेट पॉइंट कहाँ से देना है तो हमने क्या कहता पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया था। तो पोटेंशियोमीटर के लिए यहाँ पे हमें 2 सेट करना होगा, 1000 में जाकर 2 सेट करना होगा जो कि है एनालॉग सेट पॉइंट। यदि हम यहाँ पे 2 सेट करते हैं तो हमारे ड्राइव की जो स्पीड हो वो बेसिकली पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल होने वाली है। सो आई होप आपको समझ में आया हो ड्राइव में 2 वायर सिस्टम 3 वायर सिस्टम कनेक्शन किस तरह किया जाता है और उसके लिए कौन सा पैरामीटर हमें सेट करना होता है। यदि आप ड्राइव के परमानेंट पैरामीटर के बारे में जानना चाहते हैं उसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड।